That's it. I'm Radhika. सॉरी, क्या कहा आपने? यहाँ शोर बहुत है, कम क्लोजर. राधिका. Nope, sorry. I can't hear a thing. It's too loud in here. Come closer. Radhika. Oh ho, kitna shor hai yahan pe. It's so loud here. Come closer, sweetheart. Radhika. Aur kareeb aao na. Nice. Pretty. Want a sip? Koi baat nahi. You want a sip, darling? तो क्यों आई हो यहाँ पे? किसकी तलाश है तुम्हें? सिट की या देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ Z5 पर. अभी Z5 ऐप डाउनलोड करें. ये देख रहे हैं ना आप? अब ये दिन भी देखने को पड़ रहा है मुझे. आप देख रहे हैं ना ये सब क्या है? क्या है, क्या है, क्या है? ये क्या है बताइए आप मुझे, क्या है? ओफो सिमरन जी, दरअसल आप जिसको शराबी का अमिताभ बच्चन समझ रही हैं ना, वो नहीं है. वो जंगल बुक का वो छोटा वाला बच्चा है भाई. अच्छा? और देखो ये दारू की बोतल में जूस है. ये जूस है, दिखाइए मुझे. क्या अब मुझे लगता है ऐसे दिन देखने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. प्लीज, हाँ मैं फिर भी इस लड़के को. आओ मॉम, जरा गम गलत करते हैं. रियली गम गलत करते हैं ये सब? आप देख रहे हैं ना इसके हाथ में क्या है? देख रहे हैं ना ये क्या? लड़की ब्यूटी ब्यूटीफुल कर गई चुल टन 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 पेपरमेंट है मॉम. क्या तू क्या कर रहा है इससे? तू मेरी बात सुन ले. इतनी अच्छी लड़कियां मैं भेजती हूँ देखने के लिए, लेकिन तू हरकतें ऐसी करता है कि वो सब भाग जाती हैं. क्या ये सब? क्या ये सब लड़कियां देखी हैं आपने? ओहो, अरे भाई हर किसी का अपना अपना कैरेक्टर होता है. अब आप दुनिया की हर माँ की तरह हैं. आपको ऐसा लगता है दुनिया की हर बात का हल सिर्फ इसी बात में कि आपके बेटे की शादी हो जाए. और मैं दुनिया के हर बेटे की तरह हूँ जिसको ये लगता है कि उसकी माँ पागल है. क्या? और नहीं तो क्या? पता नहीं मेरी हस्ती खेलती जिंदगी में आग लगाने पे क्यों तुली हुई है. रियली आपको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि देखो यार, आपने बंदियां देखी जो भेजी है आपने मेरे लिए? एक भी ढंकी नहीं है. कोई ढंकी लड़की लाओ तो बात करें हम. एग्जैक्टली. आप चुप रहिए, कहा ना मैंने आपको? मैं तो भी सेंटर में बैठा हुआ हूँ. और तू हस्ती खेलती जिंदगी की बात कर रहा है. चल मुझे बता तेरी हस्ती खेलती जिंदगी क्या है? हाँ कुछ नहीं है. और इतनी लड़कियां भेजती हो, सबको भगा देता है. वो मिस्टर खन्ना की लड़की, अरे कितनी प्यारी थी, एकदम मॉडल थी. मॉडल? हाँ वो काजल मॉडल नहीं, पागल थी. क्या? उसको छोड़ो. एनीवेज वो मेरी जो मेरी मतलब मेरी भाई की जो बेटी थी, वो जो बड़ी सुगड़ थी. अरे वो सुगड़ी नहीं, 5.25 किलो की सुखड़ी थी वो. रे ममेरी. ममेरी क्या होता? ममेरी मतलब ना मेरी ना तेरी, मम्मा टाइप्स की. क्या? आप प्लीज चुप रहिए. तू क्यों नहीं समझता? तो ममेरी मतलब मेरी, मेरी मेरी बड़ी बहन दीदी. कैसे गंदी सोच वाले माँ बाप मिले मुझे, दीदी के साथ मेरी शादी करा रहे. क्या? एक मिनट दीदी, तूने उसे दीदी बना लिया अपना. एनीवे उसको छोड़, वो तो तेरी असिस्टेंट थी ना, छोटी सी प्यारी सी. मुझे तो लग रहा था कि उसकी पपिया लेती रहूं. हाँ क्योंकि पपिया लेने के लायक ही वो छोटी सी बेबी, छोटी बच्ची है वो यार. हाँ 19 साल की, इंटर्नशिप करने के लिए आई है. वो कॉलेज भी खत्म नहीं हुआ उसका. इनको देख लो यार, जरा समझाओ इनको. उसके साथ कोई रिश्ते विश्ते की बात मत चला देना, पता चला केस में अंदर हो गया. कौन सा होता है वो केस यार? चाइल्ड मोलेस्टेशन. अरे बाप रे. अरे वो उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा मतलब है कि उससे नहीं, मेरा मतलब है कि एज से क्या फर्क पड़ता है. अब सायरा जी और दिलीप जी को देखो. आहा, अभी भी प्यार बरकरार है उनके बीच. वाह वाह वाह, क्या बात है सिमरन जी. हाँ. दिलीप जी और सायरा जी का नाम तो आप ऐसे ले रही हो जैसे रोज शाम की चाय आप दिलीप जी के साथ पीती हो, और गर्मियों की छुट्टियां बिताने उनके साथ उनके फार्म हाउस में जाती हो. हो गया ना आपका? हाँ, हो अब गया. बस अब बिल्कुल चुप रहिए, मुझे अपने बेटे से बात करने दीजिए. और तू सिट. ये एप्पल जूस का शॉट मार लो, बहुत फ्रेश है. ये छोड़ और कुछ नहीं पकड़ेगा तू. सीधा मेरी बात सुनेगा. क्या है ये सब कुछ सिट? मतलब इस घर में मैं ही सबकी चिंता करती रहूं ना, लेकिन मेरी चिंता कोई कभी नहीं करेगा. मैं जानता हूं दिन रात भगवान से क्या मांगती, यही ना कि मेरी जिंदगी में मोहब्बत आ जाए. भगवान ने आपकी कब की सुन ली?
मुझे रोशनी दे दे। हाँ ये अलग बात है कि रोशनी चली गई है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि मेरे दिल में जो उसके लिए मोहब्बत है वो चली गई है। रोशनी मेरी थी, चली गई। मैं उसका हूं और आज भी यही हूं, और जब रोशनी मेरे दिल में है, उसकी मोहब्बत मेरे दिल में है, तो मैं किसी और का तो नहीं हो सकता ना। मोहब्बत एक बार होती है, हो गई। इश्क एक बार होता है, हो गया। और शादी वो भी एक बार ही होती है, हो गई माँ। तो अब नो मोहब्बत, नो दोस्ती, नो इश्क, नो प्यार, नो शादी। और अगर ये मोहब्बत, दोस्ती, प्यार, इश्क किसी के साथ होगा ना, तो सिर्फ आप होंगे माँ। आई लव यू। सी यू डैड। रोशनी से बेटी जैसी थी वो मेरी। आपको मालूम है अगर मैं अतीत में जाऊं ना, तो मैं भगवान से सिर्फ एक चीज मांगूंगी कि रोशनी और सिड ना मिले एक दूसरे से। मैं जानती हूं कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, तो अभी भी उसे प्यार करता है, लेकिन लेकिन शायद वो रिश्ता होने के लिए बना ही नहीं था। जब से उन दोनों का रिश्ता हुआ है, तब से हमारे सिर ने ढेरों परेशानियां देखी हैं। खुद तो चली गई, और उन यादों का क्या जो मेरे साथ छोड़ के गई हो तुम? अगर दिन में एक बार भी याद करूं ना मैं, तो 7 जन्म कट जाएंगे। शादी तो नहीं करता ये सिद्धार्थ। क्या घूर क्या रही हैं आप? हेलो, ऐसा है सासू मॉम, यहाँ आके किसी ऐसे को दिखाइएगा जो आपसे डरता हो। या आपका ये जमाई रहता किसी के बाप से नहीं डरता। बहुत नाराज हूं आपसे, मैं गलत किया आपने, खुद भी चली गई और साथ में इसको भी। मेरे दिल के 2 टुकड़े अपने साथ ले गए आप लोग। जान ही नहीं बची यार मेरे में तुम दोनों के बना। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि फोन बजेगा और दूसरी तरफ तुम होगी। हेलो, हाय बड़ी, हाउ आर यू डूइंग स्मिथ? I am all right, but there's a little bit of a mess here. Why, what's up? You know, I was going to be in Delhi tomorrow for the event with Mauve Magazine, the new sensation that you and I are partnering to sponsor, right? What's up with that? And why aren't you going to Delhi? No, I'm stuck in Paris. There's a bomb scare and I won't be able to take my flight. Oh, is it? Sid, you will need to go to Delhi for the event, buddy. Why? Why do I have to go to Delhi? I'll call these guys up here. Yeah? You have to go. The CEO of Mauve Magazine is a terror, I've heard. And we need her as much as she needs us right now. Please just go. I believe you are only 2 hours away from Delhi. Fine, Smith. Relax, calm down. I'll handle it. I'll see what I can do. You take care, be safe, be indoors. Give me a call when it's safe there, right? See ya. Bye. अरे यार ये लोग भी कैसे चिलगोजे होते हैं, हाँ? छोटे मोटे सीईओ से डर गया वो। उसे क्या पता कि असली टेरर को तो मैं जानता हूँ, है कि नहीं सासु मॉम? आपने जो ट्रेनिंग दे दी है मुझे। मैम, सिक्योरिटी का फोन आ गया, रागिनी मैम बिल्डिंग में पहुंच चुकी है।
इसका मतलब मैम 3 मिनट में ऊपर पहुंच जाएंगे और मैम की कॉफी कहाँ है? Where is the coffee? मुझे समझ नहीं आता, एक आप है जो आपकी रोज न्यूज़पेपर में फोटोग्राफ छपती है और एक ये मैडम है, आज तक इनकी न्यूज़पेपर में फोटोग्राफ नहीं आई, मैगजीन में फोटोग्राफ नहीं आई, इंटरनेट पे कोई फोटोग्राफी नहीं है इनकी, अलाउ ही नहीं करती यार, इंटरव्यू देती है बस। हाँ तो इंटरव्यू तो छपेंगे ना बंटी, जब लड़की इतना अच्छा काम कर रही है तो। मैंने कौन से झंडे गाड़े हैं जो मेरी फोटो में छपती रहती हैं रोज, वो तुम्हारे गधे पने की वजह से छपती हैं, थोड़ा ध्यान देगा तो नहीं छपेंगे ना। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बंटी कि तू मेरी ले रहा है? भाई मैं ले नहीं रहा, दे रहा हूँ। क्या दे रहा है बे? इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। भाई बहुत अजीब टाइप की यार, मुझे तो समझ नहीं आता इसके बारे में कुछ भी यार, आप ही देखो यार। मैम कॉफी। तुझे इस रागिनी दिसाई के बारे में पढ़ के किसी की याद नहीं आ रही? किसकी? सासू मॉम की। Everybody, onto your notes, and I will not repeat anything. Textile designer Piyush Suri ka article 1,230 words mein summarize karna hai, not more than that. Color palette the month mein Sumer Rastogi ke expert comments add karne, okay? And yeah, by the way, hamara wo last page ka special column kisne likha? Man, that was finalized by me personally. Wow. Life mein wife ke birthday se bhi zyada important cheeze hain, okay? Work on your vocabulary. That's the worst piece I have read. Rewrite it. Excuse me, ma'am. वो मिस्टर सूरी का आर्टिकल कितने वर्ड्स में समराइज करना था? Which part of I will not repeat did you not understand, miss? 1,230 words. Okay. KK Clothing का presentation right now. Yes, ma'am. मैं दिखाता हूँ आपको. I'm so sorry, ma'am. What the hell? You useless piece of good for nothing! You, are you sleepwalking in the day? Khuli aankhon se so rahe ho kya tum? Out of my cabin. Ma'am. Out of my sight, I said! जी समझाइए ना अपने बेटे को। क्या हुआ भाई? क्या नहीं हुआ ये पूछिए। अब 1 मिनट की नोटिस में देखो सीधा दिल्ली चला गया और यहाँ पर अपनी माँ के लिए 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। कोई जरूरी काम आ गया होगा। अरे ऐसा क्या जरूर। अरे दीनू भैया क्या लेकर जा रहे हो आप? ये फोटो फ्रेम स्टोर रूम में मिला और मैं सोचा कहीं लगा दूं। दिखाइए। आप ना सोचना बंद कर दीजिए और जहां दिमाग लगाना है वहां दिमाग लगाइए। इस फोटोग्राफ को वापस स्टोर रूम में रख के आइए। सिमे, इतनी नाराजगी, इतनी नफरत किस लिए? वो बेचारी तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। अब दुनिया में नहीं है लेकिन हमारी जिंदगी में अभी भी है वो। आपने देखा है ना सिद्ध को, क्या हालत हो गई है हमारे बेटे। खुश है क्या हमारा बेटा? नहीं है। आज भी उसकी यादों में बस इधर उधर घूमता रहता है। लेकिन इसमें रोशनी की क्या गलती है? तो किसकी गलती है राजी बताइए ना। ये सब रोशनी की गलती है। आपने देखा ना हमारे बेटे की क्या हालत है, कैसे इधर उधर भटकता रहता है।
उसकी यादों के सहारे जीता है वो। और रोशनी, उसने तो कभी कदर ही नहीं करी सिद्ध की, कभी भी उसको रिस्पेक्ट नहीं दी। और आप जानते हैं ना हमारे सिद्ध ने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए, उसके परिवार वालों के लिए। हर बार जब भी वो मुसीबत में होते थे तो हमारा सिद्ध उनके लिए खड़ा रहता था। आपको तो पता है ना, मैं रोशनी से प्यार करती थी, बेटी माना था मैंने उसे, और बदले में क्या मिला? उसको इल्जाम देकर चली गई वो इस दुनिया से। होना क्या है, आज फिर से आपकी बेटी की वजह से दो चार बातें सुनने को मिली है मुझे। अब क्या किया उसने? क्या कर दिया? मैंने राधिका की मम्मा को फिर से फोन किया था, और पता है मेरी बात सुनने की बजाय दो चार बातें उन्होंने मुझे सुना दी। आपके बेटे का अखबार में फोटो छपा है, और क्या लिखा है उसमें? प्ले बॉय कैसेनोवा, ये टाइटल दिया है सिद्ध को। सिमी जी, आप जानती है ना कि सिद्ध को शादी नहीं करनी है, तो फिर आप क्यों उसके पीछे पड़ी हुई? क्या मतलब है आपका रिश्ता नहीं जोड़ना? अभी उसकी उम्र ही क्या है, क्या सारी उम्र ऐसी अकेले काटेगा वो क्या? और वैसे भी उस लड़की को मरे हुए 2 साल हो गए। आई थिंक सिट शुड मूव ऑन नाउ। ये उस लड़की से आपका क्या मतलब है? सिम्मी जी, वो रोशनी थी, रोशनी हमारी, रोशनी हमारी बहू, हमारी बेटी, आप भूल गए? एक बार आपने उसके कन्यादान का बीड़ा उठाया था। वही तो, कन्यादान का बीड़ा उठाया था उसका मैंने, उसे अपनाया था, उसे प्यार किया था मैंने, उसे एक बेटी का दर्जा दिया था, और उसने क्या किया? हमारे बेटे पर इल्जाम लगाया उसने, और कुछ नहीं किया उसने। और सिद्ध भी तो देखो ना कैसे टूट सा गया है। रोशनी नाम कह रहे हैं ना आप उस लड़की का? अरे ऐसे कैसे रोशनी जो हमारे सिद्ध की जिंदगी में अंधेरा लेकर आ गई है। प्लीज, मैं उस लड़की को कभी माफ नहीं कर सकती हूं, और इस घर में मैं उसका नाम तक नहीं लेना चाहती। बस मैं चाहती हूं कि मेरा सिद्ध किसी और लड़की से मिले, कोई और लड़की उसकी जिंदगी में आए, और फिर से खुशियां लुटा दे। बस यही चाहती हूं मैं। क्या कर रहे हैं? मशीन है, इंसान नहीं। एक बार में बात समझती है ये, और तेरे 36 बार बटन दबाने से लिफ्ट जल्दी नहीं आएगी। क्या पता नहीं कौन से फ्लोर पे रुकी हुई है, आई नहीं रही है। अबे खोल के पूछ लेना। कौन से फ्लोर पे रुकी हुई है? I'm talking to you, Anya, not the walls. Yes, ma'am. I said मुझे तुम्हें ब्रीफ करना पड़ेगा, so come prepared. बहुत सारे नोट्स बनाने पड़ेंगे, okay? And one more thing. You're clearly not paying attention, Anya, and that's not a good behavior. Sorry, ma'am. और हाँ, वो लोग आने वाले थे, you said? Yes, ma'am. उनको अच्छा treatment देना, okay? बिठा के रखना, time की अहमियत समझ आ जाएगी। See you. ले भाई, 17,000 बार बटन दबाना सफल हुआ, लिफ्ट आ गई तेरी, चल। आनिया, come, give me a, what a pleasant surprise.
देखिए सर आप यहाँ। मैं कुछ भी कर रहा हूँ यहाँ पे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह लेट मी गेस, तूने हमारे यहाँ से नौकरी छोड़ दी थी ना? हमारे यहाँ से नौकरी छोड़ के यहाँ चली आई है। बताओ यार कितना बुरा डिसीजन है, ये छोटी छोटी लड़कियां क्या करती रहती हैं? इतना सुपर हॉट सुपर कूल स्मार्ट हैंडसम हम्बल डोसाइल किस्म का बॉस था और मुझे छोड़ के क्या नाम है इसके बॉस का? हिटलर। हिटलर के पास चलिए, गुड करियर मूव। उनका नाम हिटलर नहीं है, रागिनी देसाई है, और वो इतनी भी स्ट्रिक्ट नहीं है, काम को लेकर थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, बट शी इज वेरी नाइस। इनफैक्ट हमारे ये मॉव मैगजीन आज वापस से नंबर वन पोजीशन पे सिर्फ उन्हीं की वजह से है। Really? थोड़ी सी स्ट्रिक्ट बोलती है। हालत देखो जरा इसकी, जब हमारे पास थी तो कितनी क्यूट सी गोलगप्पू सी हुश-पुश हुआ करती थी, अब शक्ल देख इसकी कितनी उतर गई है, 10-15 किलो तो घटाया होगा ना, वजन घटाने की जरूरत नहीं थी, नहीं ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अब कम ना। हाँ या अच्छा आन्या, ये तुम्हारी मैगजीन यानी ये सब कुछ तुम्हारा फैमिली बिजनेस है? यस केसर, ये मॉव मैगजीन हमारे ही फैमिली बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा है। एक्चुअली सर मैम ने आपका काफी वेट किया, बट देन ड्यू टू सम इंपॉर्टेंट मीटिंग्स उन्हें जाना पड़ा, बट शी इज कमिंग बैक टू मीट यू। नो सी आई अंडरस्टैंड दैट आन्या, बट हमें भी निकलना है, फ्लाइट है हमारी। खैर दिस डील इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अग्नि देसाई आल्सो, और फिर तू भी आए, चल बैठ जाते हैं, इतना बोल दिए तो। अब बता कहाँ बैठना है? हाँ श्योर, चलिए ना प्लीज कम। थैंक यू। अन्या क्या बात, थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड लग रही हो? नहीं नहीं तो कुछ भी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली आके तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया कोई? नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं आप दोनों के लिए कॉफी भिजवाती हूँ, ओके? आनिया ख्याल रखो। थैंक यू सर। भाई ये तो वही लड़की है ना जिससे मम्मी आपकी सेटिंग करा रही थी। मॉम का बस चले ना किसी से भी सेटिंग करा दे मेरी। कभी कभी मुझे सीरियसली लगता है कि मॉम को किसी शूटिंग वूटिंग में ना सेटिंग डिपार्टमेंट में लग जाना चाहिए, कमाल का काम करेंगी। अबे शक्ल देखिए यार, छोटी सी बच्ची है, उसको अपनी उम्र का बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड ढूंढना चाहिए, कहाँ छोड़े। ऑफिस बढ़िया बनाया इन्होंने, नहीं बहुत अच्छा, नॉट बैड यार, टेस्ट अच्छा है रागिनी देसाई का। नो मॉम, जब तक आप थे तब तक सब सही था, पर अब मैं अकेले नहीं कर सकती। जब से आप गई हैं मुझे मुझे ऊंचाइयों से डर लगता है मॉम, I'm scared। अपनी मॉम की तरह तुम भी अपने काम में कितना आगे निकल गई। डीडी के आशीर्वाद से मेरी बच्ची। पर बेटा ये अचानक मुंबई मूव करने का प्लान मेरी समझ से बाहर है। एक वक्त था कि तूने अपनी जान लगा दी थी मुंबई से निकलने के लिए, और अब कहीं अगर उसकी मुलाकात तेरे से। बस उसका नाम मत लीजिएगा मेरे साथ प्लीज। आपको पता है चाचू, उस नाम का कोई इंसान मेरी जिंदगी में नहीं। इनफैक्ट मेरे ऑफिस में भी उस नाम का कोई इंसान नहीं है। हाँ एक था, मैंने उसका ट्रांसफर करा दिया, जानते हैं क्यों? ताकि मेरी जबान से वो नाम कभी ना आए। और रही बात मुंबई की, बहुत बड़ा शहर है मुंबई,
और रोशनी की मुलाकात तो उससे कभी जिंदगी में नहीं हो पाएगी, क्योंकि रोशनी तो कब की मर चुकी है। आज आपके सामने जो लड़की खड़ी है वो है रागिनी देसाई, सक्सेसफुल बिजनेस वुमन जस्ट लाइक हर मॉम। हाँ चाचू, हाँ आई नो मुंबई की फ्लाइट पोस्टपोन हो गई है, पर कोई बात नहीं, और वैसे भी मेरी एक मीटिंग थी इसलिए मुझे ऑफिस आना पड़ा, बट आप एयरपोर्ट पहुंच जाइए, मैं पहुंच जाऊंगी। ओके बाय। ऐसे तो लेट हो जाऊंगा यार, एक काम करता हूँ स्टेयर से चला जाता हूँ। Smith, I'm looking for someone. I'll give you a call back, right? Okay, see ya. कहाँ रह गई आन्या? मैम अच्छा हुआ आप मिल गई। ये कुछ डिजाइन आए थे, आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। आई मैंने ओके फोर्थ एंड एट्थ प्रिंट करवा दी। तो साहब गिव मी सम टाइम, आई विल सॉर्ट इट आउट। देखो तुम लोग ध्यान से सुनो, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आ रही है प्रेसिडेंट सुइट में, मुझे कोई और गलती नहीं चाहिए, मुझे सारी तैयारियां टॉप नॉच चाहिए, ठीक है? चाओ आप लोग। मिस्टर मैनेजर। यस सर। बाहर हलचल को देखकर लग रहा है कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाला है। हाँ यस सर, मिस रागिनी देसाई मूव मैगजीन की सीईओ हैं। रागिनी देसाई, व्हाट अ कोइंसिडेंस, सिड भी तो उनसे मिलने दिल्ली गया हुआ है, वो मुंबई आ रही हैं। जी सर, वो आज ही पहुंच रही हैं, और उनके बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस, कंप्लीट प्राइवेसी, नो मीडिया, नो फोटोग्राफर्स। हेलो सर। सर रागिनी मैम के वेलकम की सारी तैयारियां कर दी गई हैं। Good. So, everything is sorted now. Okay? पर आप लोग भी ध्यान रखें कि उन्हें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। No media, no photographers. ठीक है? मिस्टर मैनेजर, जैसे रागिनी मैडम पहुंचे हैं तो प्लीज इन्फॉर्म मी, ठीक है? मैं खुद उन्हें वेलकम करना चाहूंगा। ओके सर। यू मे गो। जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ Zee5 पर। अभी Zee5 ऐप डाउनलोड करें।